हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 14 मई को आपके EO और RO का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज हम 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में। और आपको मैं लास्ट में ज़रूर बताने वाला हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, किसके इर्द गिर्द रहने वाली है, एग्ज़ाम किस लेवल का रहा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है विराटनगर। दूसरे का राइट आंसर है 1870 में बूंदी में जयपुर में और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की, तो वो की थी CA हैकेट ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सीकर जिले के निमका थाना में कांतनी नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो है गणेश्वर। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता था? सीवी। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया? तो बप्पा रावल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राव चुंडा। अगला प्रश्न है कि आपको जल दुर्ग बताना है, तो औदुक दुर्ग होता है वो जल दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो वो बना हुआ है गुज्जर प्रतिहार शैली में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है, बिंदोला। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में मच्छर बिच्छियों और ललार से क्या तात्पर्य है? ये लोक गीत है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है, 5 समूहों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है रासों में। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल जी को। आगे देखिए, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर है वो जो होगा, लेकिन कई जगह चावल भी बताया जा रहा है, तो जो मान के चलिए, बाकी फाइनल आंसर की में पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? तिमणिया। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण है? मांड गायन। उसके बाद है अगला प्रश्न, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार। ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, इससे पहले यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 19 नंबर दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो वो है बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना द्वारा की गई? तो वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ जिस भाई का ये क्वेश्चन पेपर है उसने लिखा है, इन तीनों पर हमेशा इंसान को भरोसा रखना चाहिए, लक, गॉड और बॉयज, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट, भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही 56 बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है वालरा के रूप में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? काकनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो गिरती है माही। अगला प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएँ उच्चतर होती हैं। अगला प्रश्न, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है? मावठ। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे उष्ण कटिबंधीय
कटीला जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है खेजड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान बहुत क्षेत्र में पाए जाते हैं, धोकड़ा। अगला प्रश्न है लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो वो है गंगानगर। उसके बाद अगला प्रश्न है, झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना किस खनिज धातु का उत्पादक है, तो वो है तांबा का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया लाखेरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कोटा। फिर है गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वो बीकानेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो वो है खटीक। अगला प्रश्न है, बीकानेर के पलाना में निक्षेप है, तो वो है कोयला लिग्नाइट के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है, तो वो है हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, 299। फिर है अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है, तो वो रूस से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं, भाग 3 में। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य में किया गया है और इसके अधिकतर विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना आंसर करके आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए, 5 साल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, संसद के द्वारा। फिर है अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने, पीसी घोष। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 200। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा पहली महिला मंत्री बनी, कमला बेनीवाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें हैं 25, इस बार हो सकता है बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का औपचारिक माध्यम है, तो वो है नागरिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागरिक अधिकार पत्र। और यहाँ भी भाई ने कुछ लिख रखा है, वहम ओवरथिंकिंग गर्ल्स, इन तीनों से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए और मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सही बात लिखी है भाई ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, नागौर में। उसके बाद है, RTI 2005 में निम्नलिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, RIC। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2011। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 62 साल की उम्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 318। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना, पहला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की, को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करता है फ्रांसीसी सरकार। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में
एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैक्सिक बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दक्षिणी पश्चिमी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है, तो सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस देश ने ओकब 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है, ईरान ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गतिशील गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, तो वो किया है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो वो दिया है मॉरिशियस को। अगला प्रश्न है, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 का कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है, तो वो है भारत, फ्रांस और UAE। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है G20 की, तो वो जोधपुर में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है UK में। अगला प्रश्न है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सायंतन दास बने हैं। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसियंट एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा, तो वो करेगा इजराइल में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, अजय बंगा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, छोटे शहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है, केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति नहीं, राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनियम पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है, तो वो है धारा 69। अगला प्रश्न है, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जाती है, तो वो की जाती है स्थानीय निकायों के निर्देशक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, तो वो राज्य वित्त आयोग करेगा। अगला प्रश्न है, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है, तो वो कर सकता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होती, तो ये उत्पाद शुल्क है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 साल। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड जुर्माना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,000। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है, तो इसका राइट आंसर है धारा 204। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है आपके
नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। अगला प्रश्न है 92 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? 6 महीने के। अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2000। अगला प्रश्न है 98 राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 1 यानी कि 1000। अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है? नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका बोर्ड है, नगर निगम है, राज्य परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड के अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितनी निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? तो यह है 1/3, 102/2। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? तो ये होगा नगरपालिका के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? तो ये बैठक बुलाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो वो 10 समितियों का गठन किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर 10 से ज़्यादा समिति का भी गठन कर सकती है। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? 90 दिनों में यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियों कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? 55, 61, 337। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धारा 61। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य अधिकारी या कर्मचारियों के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ा सकता है? तो ये बढ़ा सकता है 5000 तक। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की शक्तियों कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 साल। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो वो है राज्य के मुख्य सचिव, 111/2। अगला प्रश्न है आपके सामने SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कचरा मुक्त। अगला प्रश्न है आपके सामने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो वो था कोई भूखा न सोए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका तो आंसर आपके प्रश्न में ही है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है CLAP। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? 116 का राइट आंसर होगा 1, शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हरिद्वार का सही पूर्ण रूप है? 117 का भी आपका आंसर होगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेमेंटेशन योजना। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
अगला प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी मनरेगा के, क्योंकि आपको पता है कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मनरेगा चलती है और शहरों में इंदिरा गांधी योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त प्रदान किया जाता है, तो 120 का जो आंसर होगा वो होगा 50,000। तो दोस्तों ये थे आपके 14 मई के आर ओ और ईओ के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर आपको करवा दिया गया है। और आपको बता दूं जो आपका कल दो पेपर हुए थे, तो पेपर में जो राजस्थान जीके थी वो तो दोस्तों बिल्कुल हलवा था, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ाया मेरे में से, नहीं, बिल्कुल हलवा था। आप जो छठी से लेकर बारहवीं तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है ना, सेम उसी में से सारे प्रश्न उठे हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपके रिपीट हुए हैं। और अब बात करेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है, 85-90। तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि पेपर इतना मतलब मीडियम से भी मीडियम था, ठीक है, क्योंकि अब जिन्होंने नगरपालिका का जो अलग से टॉपिक था वो पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि राजस्थान जीके में ना सब लड़के एक जैसे हैं, सब ने करके आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मान के चलना जो आपके कट ऑफ रहेगी ना वो 90 से ऊपर रहेगी, जिसके 90 से ऊपर बन रहे हैं ना अभी या 85 से ऊपर वो बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि अभी पूरी क्लियर कट ऑफ बता देना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप मान के चलिए अगर आपके 85-90 से ऊपर है ना, 90 से ऊपर, ठीक है, तो आप मान के चलिए आप बिल्कुल श्योर हैं। और जिनके 100 से भी ज़्यादा बन रहे हैं वो तो बिल्कुल सिलेक्शन के दौड़ में ना शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों आप चाहे ये एग्ज़ाम दिए हो या नहीं दिए, लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो जीके हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न आरपीएससी ने बनाया, आरपीएससी की और भी बहुत भर्ती आने वाली है, तो तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।